Hi, Sanyukta. Hi. Welcome to BP Market. Thank you. So this is Brahmaputra Market, one of the oldest markets here in Noida. So basically, ये जगह जो start हुई थी, इसमें ज़्यादा इतनी shops नहीं थी जितनी आज हैं. लेकिन आज it is one of the most happening markets of Noida. शाम तक ये जगह पूरी भरी हुई होती है. So I think अभी के लिए क्योंकि सेटअप नहीं हुआ है तो अंदर की तरफ चलते हैं. One of the oldest shops here जहाँ पे मैं भी बहुत टाइम से आ रही हूँ, लक्ष्मी कॉफी हाउस, एंड दे गिव सम ऑफ द बेस्ट साउथ इंडियन फूड हियर. एक पेपर डोसा और दो फिल्टर कॉफी. तो काफी बड़े साइज का डोसा है. हाँ. और बिल्कुल क्रिस्प है, लाइक इट्स नेम. साथ में नारियल की चटनी. हाँ, और सांभर. सो मैंने जो सीखा है बैंगलोर में जाके कि डोसा खाने का सही तरीका है कि बीच से खाना चाहिए ताकि मसाला ही मिल सके. लेकिन सो मसाला तो है ही, तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं. हम कॉर्नर शुरू करते हैं थोड़ी सी कोकोनट चटनी के साथ. घी का फ्लेवर बहुत अच्छा है. लेकिन मेरा जो फेवरेट डोसा का जो पार्ट है वो बीच का ही, जो क्रिस्पी होता है ज़्यादा. तो हमारे इवनिंग का क्या प्रोग्राम है, हम कौन सी जगह पर जा रहे हैं? जो मैंने सुना है यहाँ पे शवरमा बहुत फेमस है. हाँ, यहाँ पे एक्चुअली शवरमा दो तीन जगह पे मिलता है, लेकिन मैं आपको अपनी फेवरेट जगह पे लेके जाऊँगी. हम लोग काफ़ी ऑफन वहाँ से लेके जाते हैं शवरमा, घर लेके जाते हैं, वहाँ खड़े होके खाते हैं. तो आई थिंक सबसे पहले इससे निकल के तो हम लोग पहले चाट खाते हैं, उसके बाद चिकन बिरयानी है, दम बिरयानी मिलती है. मतलब बहुत खाना है. बहुत खाना है. भैया एक पापड़ी चाट खाना है. सो ये एवरग्रीन की फेमस पापड़ी चाट. इसमें पापड़ी है, चने हैं, अनार है, मूंगफली है, सेब है, और ये चुकंदर का लच्छा है. तो इस चाट में जो मुझे यूनिक लगा यहाँ पे वो मूंगफली है. मतलब चाट बहुत जगह मैंने खाई है, लेकिन पापड़ी चाट के ऊपर मूंगफली डालना एक इनका अपना अलग एक अंदाज है. वो काफ़ी स्पाइसी मूंगफली है और चाट भी काफ़ी स्पाइसी साइड में है. ये बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में. मतलब तीन इसमें आटे वाले, तीन सूजी वाले, और साथ में भैया ने ये साइड में थोड़ा सा ये जो मसाला है वो भी दे दिया है कि अंदर मसाला कैसा बनाया गया है. और तीन तरह की चटनी डाली गई है इसमें, एक खड़ी वाली चटनी, एक चटनी अमचूर और मिर्च वाली, और साथ में ऊपर खजूर की चटनी. चाट से आप जैसा एक फ्लेवर एक्सपेक्ट करते हो जो एकदम से आपको हिट करता है, वैसा नहीं है. थोड़ा सटल है लेकिन बहुत बढ़िया फ्लेवर है. बिल्कुल, ऐसे मसाले भी डाले हैं इन्होंने, और चना भी है, आलू भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब असली चाट का मज़ा इसी में है, भरवा गोलगप्पे में. इसमें एक बार आपने खाया और इतने सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाए. ये क्या बेच रहे हैं भैया? ये क्या है? वेज कबाब. कबाब भी वेज, मतलब समझा नहीं मैं किस क्या किस चीज़ से बनाते हैं. दाल, सोयाबीन, केला. तो ट्राई करते हैं वेज कबाब. एक लगा दीजिए वेज कबाब. तो ये वेज कबाब, वेज गलौटी कबाब. वाह, इट इज़ एक्चुअली नाइस. एकदम इसे डिसइंटीग्रेट कर गया. मतलब जो गलौटी का मतलब है कि मुंह में जाए और घुल जाए.
रोड पे हिट कर रहे हैं। वाह, बट इट्स नॉट ओवरपावरिंग फ्लेवर, नहीं अच्छा फ्लेवर है। बहुत ही तेज तूफान आया, बारिश हुई, हमें अपना फूड वॉक रोकना पड़ा है, लेकिन हम दोबारा रिज्यूम करेंगे अपने फूड वॉक को। थोड़ी देर में सेटअप होने लगी है और मुझे लगता है कि 10-15 मिनट में दोबारा से स्टॉल खुल जाएंगे सारे। 10-15 मिनट थोड़ा ज़्यादा लगा लो, क्योंकि काफ़ी शॉप्स हैं और उन्होंने अभी तक पूरी तरह सेटअप करा भी नहीं था, वापस उनको बंद करना पड़ा था, तो लेट्स होप खुल जाए। तो ये बिरयानी जिसके ऊपर है तरी कोरमे की और थोड़ा चाट मसाला, ये नोएडा स्टाइल बिरयानी। इस वेदर के लिए तो परफेक्ट बिरयानी खाने का मजा, बारिश में जो हो रही है, क्या बात है, सही बात है। नहीं, काफ़ी अलग बिरयानी है, बहुत ही माइल्ड है, मतलब मसाले हल्के इस्तेमाल किए हुए हैं, ज़्यादा तेज नहीं है। मेरे ख्याल से इसलिए लोग तरी लेते होंगे ऊपर से, उनको तेज खाने का। चिकन भी बहुत सॉफ्ट है, एकदम फुली मॉइस्ट है। मेरे को ये पसंद आई बिना तरी वाली। बिरयानी का मेरा ये कहना है, बिरयानी ऐसी होनी चाहिए क्योंकि आप सिर्फ चावल खाएं उसमें भी जायका आए। बिल्कुल जूसी, बहुत जूसी, हल्का सा स्पाइस लेवल है, वो लगेगा एकदम तीखा है, लेकिन बहुत इसका इतना एंड तक एकदम स्टफ्ड होता है कि बहुत फुलफिलिंग शॉर्मा होता है। देखिए, मैंने प्रोसेस देखा, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। जब हम आए, इन्होंने हमारे सामने बिल्कुल ग्रिल करना शुरू किया और 5 मिनट में बिल्कुल तैयार हो गया। एकदम डायरेक्ट हीट होती है, जो पार्ट कुक होता रहता है वो तो हमने देखा ही है, जो कुक होता है वो कट करके उसको एकदम फाइनली चॉप करते हैं, एंड इसमें बहुत सारा प्याज और एकदम वो ट्रांसलूसेंट करके प्याज यूज़ करते हैं, और बहुत से मसाले हैं, धनिया बहुत डालते हैं इसमें, बहुत ही उमदा है। बाकी जगह पे मैंने शर्मा खाया है, ऐसा लगता है चिकन कम और प्याज ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही क्वान्टिटी में प्याज और चिकन का कॉम्बिनेशन, बहुत ही उमदा स्वाद, बहुत ही जूसी, और सबसे अच्छी बात है बिल्कुल फ्रेश, और इस बारिश के मौसम में तो अलग ही मज़ा है। इस प्राइस में इतने क्वांटिटी में चिकन देना बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही बढ़िया है, इतना ज़्यादा चिकन मिल रहा है। बिल्कुल, और सिर्फ मैं बाकी जगह शॉप में देखा था कि प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसमें प्याज का उतना इस्तेमाल नहीं है। ठीक है ना, एक बार फ्लफी मैं बता देते हैं, आटा, मैदा और खमीर तीनों से मिला के बनाते हैं, भाई ट्राई किया जाए। वाह, बहुत ही उम्दा, मतलब ब्रेड बहुत ही फ्लफी है, काफ़ी थिक है, इसके अंदर में इन्होंने मेयोनीज डाला है, श्रेडेड चिकन है जो कि बहुत अच्छे से पकाया गया है, बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स हैं। लंच के लिए थोड़ा सा लेटिस और कीड़ा भी है थोड़ा। थोड़ा प्याज, ब्रह्मपुत्रा मार्केट में
इतनी जगह खाया, सबसे अच्छा जो कुछ खाया मैंने तो ये खाया आज, मतलब मैं कह सकता हूँ। तंदूरी मोमोज है, साथ में तीन तरह की चटनी है, एक लाल मिर्च की चटनी, एक लहसुन और टमाटर और मेयोनीज। आइए ट्राई करें तंदूरी मोमोज। गरम है, क्रीम और मक्खन में डूबा हुआ। सब कुछ साथ में मिलाया जाता है। एक काली चटनी बहुत टेस्टी है। और ये सच सही बोल रहे थे, जो मैदे की लेयरिंग है जो वो काफ़ी पतली है, पतली है और स्टफिंग काफ़ी अच्छी है चिकन की। मेरा मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू संयुक्ता, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ब्रह्मपुत्र फूड एक्सप्लोर करने का। जो मेरा जो हाईलाइट रहा वो अफगानी शवरमा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अच्छा था। बाकी हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई किया, हमने चाट ट्राई किया, साउथ इंडियन फूड ट्राई किया, हमने दो जगह शवरमा ट्राई किया, बिरयानी ट्राई की, दही पूरी, भरवा गोलगप्पे, पापड़ी चाट, काफ़ी चीज़ें खाई। और भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ अभी, और भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, कबाब, काठी रोड। लगता है हमें दोबारा आना पड़ेगा, हम दोबारा आएंगे नोएडा फूड वॉक करने के लिए। लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू।